अब देखो राम कथा के चार घाट हैं, कितने घाट हैं बोलो ना, चार घाट हैं। अच्छा घाट किसे कहते हैं, ये जो नदी के किनारे घाट है वो वाला नहीं, वो तो है ये है, एक और घाट कहते हैं। कहा किसे, कहा जहां पर एक कथा सुनाने वाला हो और एक या एक से अधिक कथा सुनने वाला हो तो वो एक घाट कहा जाता है ना, समझ गए। तो राम कथा के कितने घाट हैं, चार। राम कथा का पहला घाट कौन है भाई, घाट किसे कहते हैं जहां एक कथा सुनाने वाला हो, तो पहला घाट तुलसीदास जी हैं, वक्ता हैं कथा सुनाने वाले तुलसीदास जी पहले घाट में, और श्रोता हैं स्वयं तुलसीदास जी का मन, अपने मन को ही कथा सुना रहे हैं, स्वांत सुखाय तुलसी श्री रघुनाथ गाथा, अपने स्वयं को पहले घाट में। और दूसरे घाट में कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं कि हे मन मैं तुम्हें वही कथा राम कथा सुनाऊंगा जो प्रयागराज में याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। तो अब देखो अब दूसरा घाट क्या आ गया, प्रयागराज, कथा सुना कौन रहा है, याज्ञवल्क जी, सुन कौन रहे हैं, भरद्वाज जी। अब याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज जी मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो कथा भगवान शिव माँ पार्वती को सुनाए हैं। और तीसरा घाट भगवान शिव वक्ता, माँ पार्वती श्रोता, और तीसरे घाट में भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा जो काक भुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई थी। इहां बसत मोह सुनु खग ईसा, बीते कल्प सात रूबी सा, 27 कल्प से भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। तो ये चार घाट हैं।